तो हेलो दोस्तों, कैसे दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास TDA जो बात तरसाम तरन जो बोर्ड होता है डुबल चैनल वाला, तो वही दोस्तों मैं आज फुल वायरिंग करके आप सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, इस पे आप देख ही सकते होंगे, एक हम लोग का 7805 रेगुलेटर IC है जो हम लोग का मॉड्यूल चलाने के लिए ये, और एक हम लोग का है सॉन्ग ऑडियो IC जिसको बोलते हैं हम लोग का TDA 7297, और एक हम लोग का है एक IC जो हम लोग का जो 4558 बेस के लिए यूज़ होता है ये वाला IC। तो देखिए दोस्तों, इस ऐसे जो ये हम लोग का जो बोर्ड है, यूट्यूब पे कोई सा भी वीडियो नहीं बनाया है, कोई भी नहीं वीडियो बनाया है, तो मैं ही बना रहा हूँ इस पर। तो देखिए, मैंने यूट्यूब पर भी खोज किया, किंतु ये हम लोग का जो जो 4558 है वो वाला किट नहीं दिखाई दे रहा। तो ये पास तो मेरा पास पुराना था ऑलरेडी, तो देखिए ये पुराना था, तो इसके ऊपर मैं आज वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए मैं पहले इसको इस फिगर के वायर को दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोग का इस पे देखिए कितना प्रिंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पे देखिए, इस जगह पे हम लोग का दिखाई तो दे रहा है जो एक ये हम लोग का जो एक पिन और एक ये पिन, ये हम लोग का एक स्पीकर के लिए, इस साइड से दोनों जो पिन है एक स्पीकर, और इस साइड से जो दो पिन है एक स्पीकर के लिए आउट हुआ है। तो कहाँ कहाँ आउट हुआ है दोस्तों, तो देखिए, तो देखिए दोस्तों, मैं अब इसको जो हम लोग के जो इस जगह पे देखिए एक प्रिंट और ये एक प्रिंट, ये देखिए एक ये जैसे निकला हुआ है IC से, देखिए, और इस पे भी देखिए दोस्तों, इस जगह पे आके हम लोग का जो जम्पर होके इस जगह पे आया है, और इस जगह पे हम लोग का आउटपुट हुआ है इस जगह पे, तो इस प्रकार इस जगह पे, और ये हम लोग का जो है इस जगह पर हम लोग का ग्राउंड का है, और ये हम लोग का 12 वोल्ट का है। तो ये हम लोग का 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा और दो स्पीकर आउटपुट करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हम तो हो गया, और इस पे हम लोग का जो स्पीकर है कितना ये हम लोग आउटपुट करता है दोस्तों। तो देखिए, इस जगह पे आउटपुट करता है हम लोग का 15, एक जो एक चैनल है इस पे, तो हम लोग का दो चैनल है ना, एक चैनल पर हम लोग का 15 वाट करता है, तो दूसरा चैनल पर 15 वाट, तो इस हम लोग का 15+15 वाट आउटपुट करता है ये हम लोग का। तो देखिए दोस्तों, इस पे हम लोग का जो स्पीकर की बात करें, तो ये हम लोग का 8 ओम तक, जो 8 ओम है ना, उतना एक स्पीकर हम लोग का चलाने से हम लोग का जो हम लोग का जो IC है हम लोग का अच्छा रहेगा, प्रॉपर तरीका से सुरक्षित रहेगा, कोई भी नहीं होगा कुछ भी। तो ये हम लोग का एक ये हम लोग का हो गया दोस्तों, और इस पे हम लोग का इस जगह पे देखिए, ये हम लोग का दो हम लोग का बीच वाला हम लोग का ग्राउंड है, ये हम लोग का एक चैनल के लिए, ये हम लोग का दूसरा चैनल के लिए, इस पे हम लोग का दो चैनल का दिया है ऑडियो। तो चलिए कैसे कनेक्शन करते दोस्तों, तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दूँगा। तो इस जगह पर मैं वोल्टेज नहीं लूँगा दोस्तों, तो मैं दूसरा से 5 वोल्ट का लूँगा, आप इस जगह पर भी ले सकते होंगे, कोई सा भी बात नहीं। तो देखिए, इस जगह पे मेरे पास एक ना जम्पर इस जगह पे नहीं है, तो इसलिए मैं इस जगह पे नहीं ले रहा। तो इस जगह पे मैं ऑडियो रिसीवर को दूसरा 5 वोल्ट से ऑपरेट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, पहले लेंगे जो हम लोग का 12 वोल्ट का कनेक्टर है वो, तो 12 वोल्ट के कनेक्टर इस जगह पे मैं फिक्स कर लेता हूँ। चलिए, तो देखिए इस जगह पे सारा पेस्ट लगा रखे, तो ये हम लोग का जो रेड है हम लोग का होगा वो 12 वोल्ट। और जो ब्लैक है ये हम लोग का होगा 5 वोल्ट ग्राउंड है ये। तो ये हो गया दोस्तों, देखिए
जो हम लोग का 5 12 वोल्ट का कनेक्टर है इस पे, तो मैंने इस पे फिक्स करके रखे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं लेता हूँ स्पीकर, आप देख ही सकते होंगे ये वाला स्पीकर लेते हैं। तो मैं इसको 12 जो 12 वायर है मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। तो देखिए मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूँ। तो इससे रखते हैं एक साइड, तो मैंने इसको रखे एक साइड और इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए इस जगह पे मैं एक ही स्पीकर इस पे आउटपुट कराऊंगा, बस दो भी स्पीकर। तो चलिए मैं दो स्पीकर आपको लगा के दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का एक स्पीकर का वायर हो गया, और ये हम लोग का जो हम लोग का इधर स्पीकर रखे हुआ है, तो वो स्पीकर चलाने के लिए मैंने वायर लिए। देखिए तो देखिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोग का स्पीकर का वायर तो हो गया, और हम लोग करेंगे जो हम लोग का जो मॉड्यूल है उसका कनेक्शन। चलिए जो इसका जो ऑडियो रिसीवर होता है, तो इस पे देखिए, तो इस पे 3 वायर रहता दोस्तों। तो बीच वाला हम लोग का है ग्राउंड, जो हम लोग का ग्राउंड है, और 2 हम लोग का राइट लेफ्ट के लिए ऑडियो के लिए है। तो इसको देना है पहले इस पोटेंशियोमीटर पे, ये पोटेंशियोमीटर तो हम लोग का दोनों शॉर्ट करके रखे हैं। तो चलिए इस पर भी सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये हम लोग का कोई बात नहीं, थोड़ा सोल्डिंग डिसोल्डिंग हो गया। तो चलिए इस जगह पे मैं ग्राउंड को मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ये हम लोग का इन होगा, तो इन आप कहाँ देना है दोस्तों, इन देना है इस जगह पे। तो देखिए दोस्तों, इस जगह पर हम लोग का हो गया, और 2 वायर लेना है इस जगह पे। तो देखिए ऐसे मैं देखे एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए 2 हम लोग जो इस जगह पे हम लोग का जो है 3 वायर लेना है, कोई बात नहीं। एक हम लोग का ग्राउंड होगा और 2 ऑडियो के लिए। तो इस जगह पे देखिए दोस्तों, हम लोग का जो बीच वाला हम लोग का ग्राउंड है, और दोनों हम लोग का राइट लेफ्ट ऑडियो के लिए है। तो चलिए मैं इस पर भी सोल्डिंग कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का हो गया, और इस पे देना है ये।
देखिए तो बीच वाला हम लोग का ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे ग्राउंड दे देना है, तो ग्राउंड होगा इस जगह पे। तो देखिए ये हम लोग का हो गया। तो देखिए अब मैं इसको जो हम लोग का जो राइट लेफ्ट ऑडियो के लिए है, तो मैं इस जगह पे सोल्डिंग कर देते हैं। तो देखिए ये वाला जो वायर है इस पर भी दे सकते हैं, ये भी इस पर भी दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए ये भी सोल्डिंग कर देते हैं। तो देखिए जैसे ये हम लोग का ये हो गया। अब लेंगे मॉड्यूल, तो देखिए मॉड्यूल ले लेते हैं। तो इस जगह पे आपको फिक्स कर देना, ये वाला रखना इस साइड से। तो देखिए जैसे इस जगह पे मैं हीट सिंक अच्छा लगाया हूँ इस पर, ये हम लोग का दूसरा हीट सिंक था इस पर, तो मैंने उस हीट सिंक खोल के मैं मोटा वाला हीट सिंक लगा लिया इस पर, जिना हम लोग का आईसी सेफ रहे, कोई भी हीट नहीं हो आईसी पे, इसलिए। और इस पे देना है 5 वोल्ट। देखिए दोस्तों इस जगह पे भी दे सकते हैं 5 वोल्ट, तो मैं इस पे नहीं दूंगा, ये हम लोग का जम्पर नहीं है इसलिए। तो चलिए इस जगह पे मैं देखता हूँ जम्पर करके, या मैं एक इस जगह पर मैं जम्पर कर लेता हूँ वायर को। तो देखिए दोस्तों मैं एक वायर लेता हूँ ऐसे, और इस पे हम लोग कर देंगे अब जम्पर। तो इस जगह पे, इस जगह से इस जगह पे जम्पर करना है। तो देखिए ये तो हो गया। अब इस पे देते हैं सप्लाई, देके देखते हैं इस पे। तो मल्टीमीटर लेते हैं एक, इससे हम लोग का देते हैं 12 वोल्ट एडाप्टर से। तो इस जगह पे वोल्टेज देख लेते हैं कितना वोल्टेज बन रहे थे। ये हम लोग का एक ग्राउंड है, तो चलिए ये माइनस, ये हम लोग का प्लस। तो देखिए देखिए 13 वोल्ट है इस जगह पे, देखिए 78.05 हम लोग का 5 वोल्ट के करीब बन रहा है, कोई बात नहीं, ये हम लोग आसानी से चल जाएगा। तो चलिए ये हम लोग का ऑडियो अब चलाने के लिए, तो इसको ऑफ करते हैं। तो इस पे थोड़ा पेस्ट लगा के अब इस पे सोल्डिंग करना है। तो देखिए मैं इसे सोल्डिंग कर देता हूँ। तो इस जगह पे देखिए दोस्तों ये हम लोग का 5 वोल्ट, तो ये हम लोग का 5 वोल्ट के लिए है। तो चलिए मैं इस जगह पे 5 वोल्ट इस पे कर देते हैं सोल्डरिंग। तो ये हम लोग का ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे कर देना इस जगह पे। तो देखिए जैसे ये हम लोग का हो गया। तो इस जगह पे हो गया दोस्तों, अब इसको देते हैं सप्लाई। देखिए चलिए तो 12 वोल्ट 2 एम्पियर मेरे पास एडाप्टर है, तो आप 3 एम्पियर भी दे सकते हैं। तो देखिए इस पे हम लोग का सप्लाई आ चुका है।
तो मैं इस पे रखता हूँ और थोड़ा ऊपर में करता हूँ ये। तो ये हम लोग अच्छा तरीके से चल रहा है। तो इस पे देखिए दोस्तों, जो हम लोग बेस के जो 4558 जो आईसी लगे हैं, इस पे जो होम थिएटर, तो देखिए हैं होम थिएटर पे जैसा हम लोग का बेस चल रहा है, इस पे हम लोग का बेस उतना नहीं चलेगा। इस पे हम लोग का आवाज़ भी देगा और बेस भी थोड़ा देगा, दोनों हम लोग का समान ही देगा, दोनों जो राइट लेफ्ट स्पीकर के लिए है वो भी। तो चलिए इसको देखते हैं साउंड। देखिए इस साउंड, तो ये हम लोग का फुल साउंड है देखिए। तो इस पे इसे हम लोग का सॉन्ग प्ले करने से हम लोग का, तो इसको ऑफ करके फिर से देते हैं देखिए। तो ये हम लोग का दोनों स्पीकर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस पे मैं क्यों सॉन्ग नहीं प्ले किया, तो कॉपीराइट क्लेम आ जा रहा है यूट्यूब पे, इसलिए मैं इस पे भी नहीं सॉन्ग प्ले किया। तो आप ऐसे ही देख सकते हो, यदि नहीं आप बना भी देते हो ना, यदि नहीं होगा तो कमेंट करना, मैं फिर से अच्छा से समझाने के लिए मैं वीडियो फिर से बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अच्छी वीडियो में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना।